तो आज के दौर में यही इंजेक्शंस को ब्लैक करने में आई एम श्योर अबाउट इट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है, आई एम श्योर अबाउट इट। और रही बात जनाब केसीआर साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप सरकारी दवाखाने में जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेमडेसिविर इंजेक्शन वास्ते अप्रैल से फिर रहे थे हमना, वो नहीं मिल रहा था पूरी हैदराबाद में, चार दिन से बहुत फिर हमना नहीं मिल रहा था। फिर एक जनाब का कॉन्टेक्ट नंबर मिला हमारे को, मुजाहिद कादरी का साहेब का, तो उन्होंने हमें दो इंजेक्शन उनकी तरफ से हमारे को फ्री में दिए और चार इंजेक्शन MRP की तरफ से दिलाए हमारे को। हम मुजाहिद कादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत। हमारे अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, आदाब, मैं मुजाहिद मुहिद्दीन खुदरी। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मरना बरहक है मेरे भाई, कब तक डर के जिए हम। आज का मौजू एक अहम मौजू है जो आज की तारीख में कोरोना वायरस की वबा में हर घर परेशान है। और यहाँ की तेलंगाना स्टेट एक वाहिद स्टेट है जहाँ पर ये पैंडेमिक में हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। और रही बात यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के हालात बहुत सत्रोल हैं। और आज का दौर एक जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर जो हीट्रो कंपनी का है हैदराबाद में, उसकी ब्लैक मार्केट हो रही है। मैंने यकीन जानिए आप 21 तारीख को मैंने ईमेल भी किया था, वो आपको स्क्रीन पे भी अभी डिस्प्ले होगा इंशाल्लाह ताला। 21 तारीख को मैंने ईमेल भी किया था, सॉरी 5 मई को मैंने ईमेल किया था हीट्रो कंपनी को, नेशनल मेडिस कमीशन को और नीति आयोग को और ड्रग कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना को। ये जैसा कि फर्स्ट वेव में और एक इंजेक्शन था तोसिलिजुमब एक्टिमरा जिसका MRP 40,445 कुछ था, मार्केट में उसको ब्लैक में 80,001 लाख में बेच रहे थे। जैसे मुझे पता चला, मैं उस टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब और प्रीति मीना मैडम IAS ऑफिसर, उनसे रब्ता किया मैंने। उसके बाद जो भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड कॉपी एंड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और जो बंदा लेने जा रहा है अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट, मसलन मैं लेने जा रहा हूँ किसी के लिए, तो मेरा आधार कार्ड कॉपी भी और पर्पस ऑफ टेकिंग दिस मेडिसन, वो सबमिट करके एक्टिमरा इंजेक्शन को 32,000 में मैंने हजारों लोगों को दिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आई बात रेमडेसिविर की, ये इसका रेट इससे पहले था 5,400 रुपये। कैन यू प्लीज जूम नाउ, 5,400 रुपये पुराना रेट था। मैं कंप्लेंट देने से पहले का रेट है ये 5,400 रुपये MRP। उसके बाद 21 के बाद आपको रेट चेंज हो गया, जिसका रेट है 3,490 रुपये 3,490 पर वाइल, यानी 6 इंजेक्शन के तकरीबन 21,000 रुपये हो रहे हैं लगभग इसके। तो मेरा कहना यह है कि ये, हालांकि मैंने कंप्लेंट में ये भी कहा था, आपको स्क्रीन पे कंप्लेंट देख सकते हैं आप लोग, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ब्लैक मार्केट में स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे जब हमारे दौर में जब पिक्चर्स वगैरह आते थे थिएटर्स में, तो जब 10 का 20 बोल के हम लोग ब्लैक में टिकट लेके पिक्चर देखते थे, उसी तरीके से क्योंकि उस जमाने में थिएटर का ओनर खुद इन्वॉल्व होता था कि ब्लैक मार्केट के लिए। तो आज के दौर में यही इंजेक्शंस
को ब्लैक करने में आई एम श्योर अबाउट इट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है, आई एम श्योर अबाउट इट। और रही बात जनाब केसीआर साहब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप सरकारी दवाखाने में जाइए वहाँ पर इंजेक्शन अवेलेबल है। जनाब केसीआर साहब मेरी आपसे ये सवाल है, जब आपको कोरोना हुआ तो आप यशोदा क्यों गए? जनाब महमूद अली साहब मेरी आपसे ये सवाल है, जब आपको कोरोना हुआ तो आप अपोलो क्यों गए? आप गांधी क्यों नहीं गए? आप केसीआर साहब, आम आवाम आम जनता अगर कोई प्राइवेट दवाखाने को जा रही वहाँ पर डॉक्टर लिख के दे रहे ये इंजेक्शन ला लो, और वो लोग बाहर 30,000, 35,000, 40,000, मैं आपको एक वीडियो भी बताऊंगा अभी इंशाल्लाह ताला, वो वीडियो भी आप देखिए। मुझे एक कॉल आया था, मुस्तैक लोग थे, तो बोले कि बेटा मार्केट में ब्लैक चल रहा बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। बच्चा 20 साल का कुछ था बच्चा, हो अंकल मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मतलब MRP ही है बेटा, MRP भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, यकीन मानिए अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई अपने आप को हीरो नहीं बता रहा हूँ, मेरी तरफ से जितना हो सका मैं 2 इंजेक्शन बच्चे को तोहफतन दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और रिमेनिंग 4 इंजेक्शन बाजाबता MRP रेट पर दिलवाया। वो वीडियो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। और ये इंजेक्शन, हालांकि इसके लिए मैंने बात किया हिटरो के ओनर पार्था सारथी रेड्डी, जिनको जानता हूं मैं, उन्होंने कहा कि साहब मेरे घर वालों को देने के लिए भी मुझे परमिशन चाहिए HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोल का, जो प्रीति मीना मैडम IAS ऑफिसर है। खैर वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि हर चीज कंट्रोल में है। कल्वकुंतला करुणा राव, माजरा चाहता हूं, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर यहां के, उनके कंट्रोल में है, और कल्वकुंतला तारका रामाराव KTR साहब के कंट्रोल में है, और शहर हैदराबाद किसके कंट्रोल में है सब बेहतर जानते हैं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर अबाउट इट, ये ब्लैक मार्केट में इनका सबका हाथ है। वरना जिस तरीके से लास्ट टाइम में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन जो 40,000 MRP था उसका, जिसको मैंने हज़ारों लोगों को दिलवाया 32,000 में, उसी तरीके से मेरे कंप्लेंट में मैंने ये बाज़ाब्ता लिखा है कि वही प्रोसीजर क्यों ना फॉलो करते आप, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बड़े बड़े हैदराबाद के, उनको कंपनी वाले उनको सप्लाई करेंगे तो वो लोग, हालांकि इसका रेट अगर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस से अगर लेंगे तो आप 17,400 या 17,500 में आपको 6 आते वायल्स है, 17,500 में 6 आते वायल्स आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, रिटेल प्राइस 3,500 है, यानी 21,000 रुपये हो रहे हैं कुल मिलाकर। वो एक इंजेक्शन बिक रहा है 25,000-30,000, कुछ लोगों को गवर्नमेंट यहाँ के पुलिस पकड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे यकीनन तेलंगाना गवर्नमेंट है। अगर कोई दवाखाने में इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो आप। जो दवाखाने में जो इंजेक्शन लिख के जो दे रहे हैं वो लोग अवेलेबल नहीं है, दे हैव नो राइट टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। रही दूसरी बात, जो लोग गरीब हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जैसा कि मेरे घर में भी हुआ कोविड अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, लेकिन इलाज घर पे बैठ के करवाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, वो ही लोग घर में बिठा के इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह, रिकवर हो गया अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है आपके पास, और रही बात आपके पास आधार कार्ड है, ये एविडेंस काफ़ी है आपको, और स्टेट गवर्नमेंट खुद चाह रही ये ब्लैक मार्केट हो, और ईटल राजेंद्र साहब को निकालने की वजह भी शायद यही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पैंडेमिक सिचुएशन में 60 acre का माजरे को लेके 60 acre का इश्यू कोर्ट में, विच इज़ नॉट प्रूव इन द कोर्ट, और उनको बदनाम कर दिए ईटल राजेंद्र साहब को और उनको निकाल दिए ये पैंडेमिक सिचुएशन में। और मैं ईटल राजेंद्र साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं एक बाहिसत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर ऑनरेबल MLA ईटल राजेंद्र साहब, आप और आपके साथ जितने भी पढ़े लिखे काबिल लोग हैं TRS छोड़िए आप लोग, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप YSR शर्मिला की पार्टी ज्वाइन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चुनेंगे आपकी। जज़ाकअल्लाहु खैर, सलाम अलैकुम।